कोशिका के अंदर चलते हैं, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है उस पर आते हैं। तो सबसे पहला जो कोशिकांग मैंने लिया है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए लिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, जिसको कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल या ऊर्जा गृह बोलते हैं सेल का, क्योंकि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनती है, जो भोजन का पाचन होता है, उससे जो हमको ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा पैदा कहाँ होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पैदा होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि हम देखे हैं कि ये यूकैरियोट्स में कोशिका के अंदर पाया जाता है, जीवद्रव के अंदर पाया जाता है। इसमें जो इसका अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये दोहरी झिल्ली की रचना है, जैसे एक झिल्ली ये है, दूसरी झिल्ली ये है, इसमें दोहरी झिल्ली की रचना है। बाहर की झिल्ली को जब हम देखेंगे तो बाहर की झिल्ली इसकी काफ़ी स्मूथ है, जो अंदर की झिल्ली है इसमें इस तरह के प्रोजेक्शंस या उभार रहते हैं, जो कि ऐसा उंगली जैसा उभार रहते हैं। ये जो उभार रहते हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। इनके लिए जो नाम यूज़ किया गया है, अंदर के जो ये उभार हैं, उंगली जैसे स्ट्रक्चर है, इनको क्रिस्टी बोला जाता है। ये क्रिस्टी इनका नाम दिया गया है। ये क्रिस्टी की का अगर सरफेस हम देखेंगे तो कहीं कहीं पर इस तरह का क्रिस्टी में इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसको स्टैक पार्टिकल बोलते हैं। ये क्रिस्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक जो है इसके अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। नॉर्मली हम जानते हैं कि डीएनए या क्रोमोसोम जो है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जो कि सेल के अंदर भी मिलता है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलता है और सेल के अंदर भी मिलता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह अब कोशिका का बोला जाता है, कि कोशिका का ऊर्जा गृह है या पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जो सेल के अंदर ऊर्जा निकलती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। उसका जो भी रिएक्शंस है वो यहीं पर होता है। जो साइकिल होता है या चक्र होता है, जिसके द्वारा एनर्जी मिलती है भोजन के पाचन से, वो है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का जो मेन रिएक्शन है वो यहीं पर होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, इसके अंदर का जो खाली जगह है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो खाली जगह है जिसको मैट्रिक्स हम बोलते हैं, मैट्रिक्स, तो यहाँ पर जैसा लिखा है कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो खाली जगह है ये, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के रिएक्शंस होते हैं, और क्रेब्स साइकिल का जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद उसमें कुछ चीज़ें बनती हैं, NADP, FADP ऐसे करके कुछ मॉलिक्यूल्स या अणु बनते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, और फिर उस इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है दूसरे अणुओं के साथ में, और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है, ये झिल्ली में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की झिल्ली जो है, वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो है इसके अंदर होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। तो जो एनर्जी निकलने वाला जो रिएक्शन है वो दो भाग में होता है, एक है क्रेब्स साइकिल जो कि यहाँ मैट्रिक्स में होता है, जो खाली जगह होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिससे कि अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की झिल्ली में होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पूछता है ये कहाँ होता है, तो इसकी अंदर वाली झिल्ली में होती है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, तो क्रेब्स साइकिल यहाँ पर होता है, और पूरा जो एनर्जी का प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और जो एनर्जी निकलती है उसको सेल जो है इमीडिएटली, तो ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी बना और उसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि हो सकता है एनर्जी का इस्तेमाल बाद में सेल को या शरीर को बाद में करना है, लेकिन एनर्जी तो जब हम खाना खाएं उसका डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे पहुँचा है, उसका उपापचय की प्रक्रिया हो रही है, तो एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी को सेल स्टोर करता है। स्टोर कैसे करता है, तो एनर्जी को स्टोर करता है एक अणु के माध्यम से, जिसको कि हम ATP बोलते हैं। तो जो जिस ATP अणु के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ट्राई इसलिए है क्योंकि इसमें तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्राईफॉस्फेट है, और एडिनोसिन एक नाइट्रोजिनस बेस है, इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। तो इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इसी फॉर्म में होती है। तो ये मोटा मोटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखते हैं कि इसको एक बार देखें, तो इसमें एक डीएनए होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में एक छोटा डीएनए होता है और इसके जो अंदर वाले स्ट्रक्चर है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, इसके अलावा जो खाली जगह है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं और इसी मैट्रिक्स में इसका रिएक्शंस होता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम भी होता है। ये राइबोसोम और सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं उसमें थोड़ा अंतर होता है। ये राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, यानी कि थोड़े छोटे टाइप के होते हैं। ये जो राइबोसोम है इसके अंदर मिलते हैं, ये थोड़े छोटे टाइप के हैं जिसको 70S टाइप के राइबोसोम बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स की कोशिकाओं में जो राइबोसोम जैसा मिलता है, इसमें भी वैसा ही राइबोसोम मिलता है। अगला, इसके बारे में नहीं, वो मतलब और ऊपर हुआ सर। हाँ यहाँ से ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका जो नामकरण है, इट वॉज नेम्ड बाई बेंडा नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका नामकरण किया था। जैसा कि मैंने बताया कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितना होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी पैदा करना है, एनर्जी प्रोडक्शन करना। तो नेचुरली ऐसे जो सेल होंगे, ऐसी कोशिकाएं होंगी या शरीर का ऐसा हिस्सा होगा जहां पे एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो वहां के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, और जहां पे इतनी ज़रूरत नहीं है वहां पे कम होगी। तो इसलिए ये बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऊतक या टिश्यू है, एक सेल टाइप क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे एग्जांपल एक दिया है कि रेड ब्लड सेल में वहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन लीवर सेल जो है उसमें 2000 तक भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, किस सेल की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से वो निर्भर करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी। जो साइट्रिक एसिड साइकिल, जैसा कि मैंने बताया था, क्रेब्स साइकिल, जिससे कि एनर्जी निकलती है, जिस अल्टीमेटली वो साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, उसकी मैट्रिक्स में होता है। इस साइकिल का तीन नाम है, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल इसलिए बोलते हैं कि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इस साइकिल के बारे में बताया था, तो उनके नाम के पीछे इसको क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए क्योंकि ट्राई इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट, जब ग्लूकोज टूटता है तो वो तीन कार्बन का प्रोडक्ट होता है, फॉस्फोग्लिसरिक, तो इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। और साइट्रिक एसिड इसलिए कि ये जो चक्र चलता है उसमें साइट्रिक एसिड के साथ जाके ज्वाइन होता है, तो ये तीन इसका नाम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर होता है, इसका मैट्रिक्स में होता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, जिससे कि एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगली जैसे रहते हैं उस वहाँ पर ये होते हैं। और उसमें क्रिस्टी में, जैसा कि हम फिगर में देखें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगला जो हम देख रहे हैं वो है प्लास्टिड या लवक। प्लास्टिड या लवक जो है, ये नाम को हैकेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो जब हम पौधों में देखते हैं, ये प्लास्टिड जो है ये पौधे के कोशिकाओं में या पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जब हम इसको पौधे में देखते हैं तो मुख्यतः ये तीन तरह के लवक होते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसा कि हरा रंग का होता है, जिसके कारण पौधों में हरे कलर आता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणु दो तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इस तरह के प्लास्टिड का नाम क्लोरोप्लास्ट बताया गया है। तो क्लोरोप्लास्ट इस जहाँ रहेगा वो हरा कलर का होगा। जो दूसरे तरह का प्लास्टिड है, जो प्लास्टिड दूसरे तरह का है, वो है क्रोमोप्लास्ट। ये प्लास्टिड जो है ये मेनली कलर देने का काम करता है। तो पौधों में जो कलर होता है उसका एक मेजॉरिटी जो है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। प्लास्टिड
अगर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट नहीं बोलता है, प्लास्टिड बोलता है, तो हम बोल सकते हैं कि कलर जो है वो प्लास्टिड की वजह से है। जैसे हरा कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से है, दूसरा जो कोई कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछता है कि कलर किसकी वजह से आता है, तो हमको क्रोमोप्लास्ट बताना पड़ेगा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। इसके अलावा एक और तीसरे तरह का भी प्लास्टिड मिलता है, जिसको कि हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है, इनका मुख्य काम भोजन को इकट्ठा करना है, जिसका एक एग्जाम्पल है। इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होता है या सफ़ेद रंग का होता है, जिसका एक एग्जाम्पल है मूली रेडिश, जिसमें कि ल्यूकोप्लास्ट होता है, जहाँ पे फूड को ये स्टोर करता है। तो मेनली ये प्लास्टिड जो है तीन तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पर हमारे जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही पौधे जो है अपना भोजन खुद बना पाते हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो हम इसको क्लोरोप्लास्ट को आगे देखेंगे। जब हम एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो ये एक पौधे की कोशिका है, पौधे की कोशिका में इस तरह से क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे, यहाँ भी दोहरी झिल्ली की रचना होती है, टू लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है। तो ये भी झिल्ली उसी प्रकार की झिल्ली है जैसा कि प्लाज्मा झिल्ली है, जिसमें प्रोटीन लिपिड का बाई लेयर है, लिपिड का बाई लेयर है, प्रोटीन है, ये भी सेम झिल्ली है, वही झिल्ली है। तो इसमें भी दोहरी झिल्ली होती है, पर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कोई प्रोजेक्शंस नहीं मिलता है। इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि राइबोसोम यहाँ भी मिलता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिला है, और ये राइबोसोम भी उसी तरह का राइबोसोम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में है, यानी कि 70S टाइप का, जो कि प्रोकैरियोट के सेल्स में मिलते हैं। तो इसके भी राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट के जैसे राइबोसोम है, 70S टाइप के। इसके अलावा इसमें जो एक मिलता है वो है DNA, जिसको क्लोरोप्लास्ट DNA बोला जाता है। तो इसमें भी DNA मिलता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट DNA बोलते हैं। तो DNA हमने अभी तक देखा कि DNA माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, DNA क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, और DNA केंद्रक के अंदर मुख्यतः पाया जाता है। तो सेल में अगर हम देखेंगे, तो पादप कोशिका में तीन ऐसी जगह हैं जहां पे हमको DNA मिल रहा है, एक है केंद्रक के अंदर, एक है क्लोरोप्लास्ट में, और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि अगर हम जंतु कोशिका की बात करें, तो जंतु कोशिका में हमको केंद्रक के अंदर DNA मिलेगा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। तो ये DNA जो है ये ऐसे ही नहीं है, ये भी कुछ लक्षण को कंट्रोल करते हैं, कुछ कैरेक्टर, सर्टेन कैरेक्टर्स जो कि इस DNA से कंट्रोल होते हैं, तो वो मैटरनल इनहेरिटेंस शो करते हैं, वो मैटरनल इनहेरिटेंस शो करते हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। इसके अलावा जो इसमें मेजर एक स्ट्रक्चर है, वो है ऐसे ऐसे थालीनुमा चपटे चपटे स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं, या थैलेनुमा आप इसको बोल सकते हैं, ये गोल गोल थैले के जैसे स्ट्रक्चर है, जो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, जैसा एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। बहुत सारे थाइलाकॉइड जब एक के बाद एक इकट्ठे होकर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे एक के ऊपर एक तह लगा दिया गया, तो ऐसा तह लगा के जब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स इकट्ठा होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। तो ग्रैनम जो है, ग्रैनम इज नथिंग बट ए बंच ऑफ थाइलाकॉइड्स, एक थाइलाकॉइड्स का एक समूह है जिसको हम ग्रैनम बोलते हैं। और इसमें ऐसा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारे ग्रैनम हैं, जैसे ये एक ग्रैनम है, इसको हम देखेंगे तो ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, ऐसे बहुत सारे ग्रैनम हैं, यानी कि थाइलाकॉइड्स का समूह है। इनका सबको एक साथ मिला के हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रैना, ग्रैनम का प्लूरल ग्रैना। तो मेनली ये थाइलाकॉइड्स है, और थाइलाकॉइड्स का समूह जो है वो ग्रैनम है। और थाइलाकॉइड्स कहीं कहीं पर बीच में एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, तो जहाँ पर ये जुड़े होते हैं, तो वो वाला हिस्सा है जहाँ जुड़े हैं, उसको हम बोलते हैं लैमेला। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो इन्हीं थाइलाकॉइड्स में होती है। ये थाइलाकॉइड्स जो है, ये थाइलाकॉइड्स, इसके अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसका मतलब जो क्लोरोफिल है वो इसी के अंदर मौजूद रहता है। तो वो कहाँ मौजूद रहता है, तो ये जैसा कि हम देखें कि ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, ये ऐसा सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल में नहीं मिलता है।
और इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि रंजक पिगमेंट इज़ नथिंग बट ए मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, अणु है जो कि उस कलर को डिपिक्ट करता है, तो उसको क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है जो कि थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होगी। जब हम थाइलाकॉइड, एक सिंगल थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन को देखते हैं, तो ये एक थाइलाकॉइड है, इसके मेम्ब्रेन को हम देखते हैं, तो इसके अंदर जब हम जाएंगे तो देखते हैं कि इस तरह के ऐसे लाइन में सजे हुए कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको जिसको हम बोलते हैं क्वांटासोम। तो जब हम एक थाइलाकॉइड को अंदर देखते हैं, थाइलाकॉइड के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ ऐसे लाइन से सजे हुए लगे हुए कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्वांटासोम। तो ये क्वांटासोम जो है, ये क्वांटासोम के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये एक क्वांटासोम को अगर हम देखेंगे उसके अंदर, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अगर सीधे पूछता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर उसके अंदर पूछता है कहाँ होता है, तो थाइलाकॉइड्स में होता है, या ग्रैना बोल सकते हैं, ग्रैना का एक जो है थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड में होता है। थाइलाकॉइड से भी अगर अंदर घुसते हैं कहाँ होता है, तो क्वांटासोम में होता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो एक जो ग्रैना होता है, ईच ग्रैना मतलब थाइलाकॉइड्स की जो थप्पी होती है, उसमें नॉर्मली 10 से 20 थाइलाकॉइड्स पाए जाते हैं। तो जहाँ पर कि इसलिए थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन यानी कि थाइलाकॉइड की झिल्ली जहाँ पे क्वांटासोम मौजूद है, वो जगह है जिसको कि हम साइट बोलते हैं। तो वो जगह है जहाँ की प्रोटीन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है ये थाइलाकॉइड के अंदर होती है। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या थाइलाकॉइड की जो झिल्ली है उसको हम मानते हैं कि साइट ऑफ प्रोटीन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहीं पे क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, वही चीज़ है कि क्वांटासोम जो है, जो पार्टिकल्स है जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में मिलते हैं, और ये एक एरे मतलब एक लाइन में वो लगे होते हैं, और ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जो बने होते हैं, ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, और इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल होते हैं, जहाँ पे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम होता है जो कि 70S टाइप का होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर आता है सेल के अंदर, वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है, इनका कोई भी अपना निश्चित रूप और आकार नहीं होता, इनका कोई बेसिक शेप या कोई साइज़ नहीं होता है। ये सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सेल के ज़रूरत के हिसाब से ये बनते ख़त्म होते रहते हैं। वैक्यूल्स सिर्फ पादप कोशिका में मिलते हैं, जंतु कोशिका में वैक्यूल्स नहीं मिलते। और ये जब जो इमैच्योर हैं, जिस जो सेल में डिवीजन हो रहा है, जो इमैच्योर सेल हैं या एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, मतलब जिसमें एक्टिव डिवीजन हो रहा है, तो ऐसा सेल कहाँ होगा पादप में? एक तो जड़ के आगे हो सकता है, जड़ का अग्रभाग जो है वहाँ हो सकता है, या जो उसका तना है जो ग्रो कर रहा है वहाँ हो सकता है, जो नई पत्तियाँ बन रही है वहाँ हो सकता है, जो बड हैं कलिकाएँ हैं वहाँ हो सकता है। तो ऐसे जगहों पर जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर वैक्यूल्स जो है वो छोटे होते हैं, तो दे आर क्वाइट स्मॉल, या नहीं भी हो सकते हैं। तो ये यंग डिवाइडिंग सेल्स, जो नए सेल्स हैं, उसमें ये इनिशियली थोड़े थोड़े छोटे छोटे आकार में बनते हैं, और फिर धीरे 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 जैसा सेल पुराना हो जाता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बनती है जिनको स्टोर करना है, रखना है, तो वहाँ पे फिर पुराने सेल में वैक्यूल्स जो है वो बड़े हो जाते हैं। तो वैक्यूल्स पुराने सेल में आपको मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे या बड़े मिलेंगे, नए सेल में कम, छोटे या नहीं मिलेंगे। और वैक्यूल की जो झिल्ली होती है उसका एक अलग नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट जो है, ये टर्म आपको और किसी कोशिका अंग में नहीं मिलेगा। टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल की झिल्ली को बोलते हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर, जैसा कि सेल के अंदर लिक्विड भरा रहता है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव साइटोप्लाज्म रहता है, तो इसके अंदर वही रहता है, वैक्यूल के अंदर भी वही रहता है। इसके अलावा वैक्यूल में कुछ कुछ चीज़ें जो है, कुछ कलर्ड पिगमेंट्स भी मिलते हैं, जो कि क्योंकि इसमें लिक्विड
है वैक्यूल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो इसके अंदर कुछ आपको ऐसे मॉलिक्यूल भी मिलेंगे जो कि कलर प्रदान करते हैं। तो जैसा कि एक आप देख सकते हैं एंथोसायनिन एक पिगमेंट है जो कि लाल कलर देता है, तो वैक्यूल्स में वो जो है उस तरह के पिगमेंट्स मिलते हैं जैसे कि एंथोसायनिन पिगमेंट्स जो कि कलर देते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स में अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। इसमें शुगर, सॉल्ट, एसिड्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो सेल के अंदर तैयार हुई है, बनी है, अब उनका कहीं और जाना है या ट्रांसपोर्टेशन होना है तो वहाँ पर, या कुछ कंपाउंड ऐसा बना है जो इकट्ठा हो गया है प्लांट में, जैसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं, तो ये सब चीज़ें वैक्यूल में पाई जाती है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ स्टोर हाउस ऑफ द सेल काम करता है, यहाँ पे स्टोरेज का काम मेनली होता है। और कुछ कुछ पिगमेंट्स भी मिलते हैं जो कि कलर देते हैं, जैसे एंथोसायनिन है, लाइकोपीन है, टमाटर में जैसा कि हम जानते हैं कि लाल कलर का होता है जिसका वजह है लाइकोपीन नाम का पिगमेंट, तो वो पिगमेंट यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ रंग देने वाले पिगमेंट भी मिलते हैं और इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि उसके अंदर तैयार हुए हैं, कोशिका के अंदर तैयार हुए हैं, वो भी वैक्यूल्स में मिलते हैं। वैक्यूल्स जैसा कि मैं पहले बताया कि ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में वैक्यूल नहीं मिलेगा। अगला जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो है राइबोसोम। हम इससे पहले देखते आए राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम है, सेल के अंदर भी राइबोसोम है। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका कि मुख्य काम जो है, राइबोसोम का मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना या प्रोटीन बनना। प्रोटीन बनने का जो साइट है, प्रोटीन जहाँ पे तैयार होता है, प्रोटीन के अणु तैयार होते हैं, वो है राइबोसोम। राइबोसोम में अगर इसका स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इसमें मेनली ये दो स्ट्रक्चर होता है, दो टुकड़े मिलके बने होते हैं। ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा छोटा टुकड़ा है और ये वाला जो है वो बड़ा टुकड़ा है। तो जो बड़ा वाला हिस्सा और छोटा वाला हिस्सा, ये दो टुकड़े मिलके बने होते हैं। जो छोटा है इसलिए इसको राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट बोला है, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको इसलिए राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट बोला है। तो इसमें काम क्या होता है? तो आरएनए, जिसको एक टाइप का आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, वो यहाँ आके ज्वाइन होता है, इसमें राइबोसोम पे आके ज्वाइन होता है जो कि केंद्रक से आता है। और एक और आरएनए होता है जो कि टीआरएनए है, जिसको ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं। ये ट्रांसफ़र आरएनए कोशिका के अंदर से एमिनो एसिड को पकड़ के लाता है और इसके ऊपर ज्वाइन होता है। एक एक टीआरएनए आता रहता है, एक एक एमिनो एसिड को लाता रहता है, वो इसके साथ जुड़ता रहता है और धीरे धीरे प्रोटीन का चेन बनता जाता है। तो जो प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया जो है वो राइबोसोम में होती है। तो राइबोसोम, जैसा कि बिल्कुल शुरू में हम लोग देखे थे कि राइबोसोम दो तरह का होता है, एक आपका 70S टाइप का और दूसरा है 80S टाइप का। तो 80S टाइप के राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि पादप और जंतु कोशिका में, और 70S राइबोसोम वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं या बैक्टीरिया में। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया, ये तीन में 70S राइबोसोम मिलते हैं और 80S जो है वो यूकैरियोट में मिलते हैं। अब ये 70S या 80S क्या है? S जो है एक स्वेडबर्ग यूनिट, एक साइंटिस्ट के नाम से एक यूनिट बनाया गया है, ये स्वेडबर्ग यूनिट बोला जाता है। ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली इसके भार के हिसाब से एक यूनिट डिज़ाइन किया गया है। जब हम इसको अलग करते हैं कोशिका से तो सेंट्रीफ्यूज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके अंदर इस छोटे छोटे ट्यूब में कोशिका का एक्सट्रैक्ट को उसको डाल के और मशीन में घुमाया जाता है। जब बहुत तेज़ी से घूमता है तो क्या होता है कि जब कोशिका में बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस तरह का छोटा छोटा ट्यूब रहता है। मान लीजिए हम इस कोशिका का सॉल्यूशन को हम इस ट्यूब में डाल दिए और जब इसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो नेचुरली जो भारी होगी कोशिका में, जो अलग अलग कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तो जो हैवी होंगी या भारी होंगी वो दूर बाहर की तरफ चली जाएंगी और जो हल्के होंगे वो यहाँ पर रहेंगे जब इसको तेज़ी से घुमाया जाता है। तो ये जाके नीचे बैठता है, सेटल करता है। तो वो सेटलमेंट के हिसाब से एक यूनिट बनाया गया है, स्वेडबर्ग यूनिट। तो जिसका आकार बड़ा होता है, जो हैवी होता है, वो नीचे की तरफ बैठेगा,
तो अगर इन दोनों प्रकार के राइबोसोम को हम सेंट्रीफ्यूज में डाल के घुमाएंगे तो जो 80S वाला है वो नीचे की तरफ रहेगा और 70S वाला जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो स्वेडबर्ग यूनिट 70S 80S राइबोसोम के लिए है, अलग अलग टाइप के लिए है। ये सिर्फ राइबोसोम के लिए नहीं है, दूसरे के लिए भी यूज़ करते हैं किस हिसाब से सेटल कर रहा है करके। अब ये जो राइबोसोम है इसमें हम देख रहे हैं कि दो यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। तो जो 70S टाइप का राइबोसोम है उसमें देखा गया है कि ये जो बड़ा वाला यूनिट है इसको अगर अलग से देखा जाए तो उसका जो यूनिट आता है वो है 50S और जो छोटा वाला यूनिट है उसका आता है 30S। तो 30 और 50 मिल करके 70S टाइप का राइबोसोम बनता है। तो जो 70S टाइप के राइबोसोम है उसमें जो दो सब यूनिट है उनका अगर अलग अलग स्वेडबर्ग यूनिट निकाला जाए तो बड़े वाले का 50S आता है और छोटे वाले का 30S आता है। इसी तरह से जो 80S वाले राइबोसोम है जो कि यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं बड़े कोशिकाओं में, उनका अगर देखते हैं तो बड़े वाले का 60S आता है और छोटे वाले का 40S। तो ये सीधे सीधे एडिशन वाला सिस्टम नहीं है कि 60 और 40 मिलके 80 नहीं हो रहा है, 60 और 40 मिलके 100 होता है, लेकिन जब अलग अलग इसका यूनिट को हम देखते हैं वो सेंट्रीफ्यूज में डाल करके तो इस ऐसा यूनिट का मिलता है। तो ये जो राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में मिलेंगे उसके जो दो सब यूनिट हैं, एक सब बड़ा वाला सब यूनिट 60S का मिलता है और छोटा वाला सब यूनिट 40S का मिलता है। जबकि जब 70S वाले राइबोसोम को हम देखेंगे तो उसमें बड़ा वाला सब यूनिट 50S का मिलता है और छोटा वाला जो है वो 30S का मिलता है। राइबोसोम जैसा कि हम देख रहे हैं कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ही मिलेगा। इसका मेजर काम क्या है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो राइबोसोम में ही होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दे डोंट हैव मेम्ब्रेन। राइबोसोम में कोई झिल्ली ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा पूछता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग बिना झिल्ली वाला है, उसमें ऑप्शन दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है वो बिना झिल्ली का होगा, बाकी सारी झिल्ली वाली हैं। तो राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं होती है। और राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये राइबोसोम तैयार कहाँ होता है, तो ये कोशिका के अंदर जो केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है, उसके वहाँ पर ये तैयार होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में मिलता है जैसे कि बैक्टीरिया, और इसमें दो सब यूनिट होता है 30S और 50S, और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। और 80S राइबोसोम जो है एक्सक्लूसिवली यूकैरियोट्स में मिलता है। तो ये 80S राइबोसोम जो है ये एक्सक्लूसिवली यूकैरियोट में मिलता है, ये आपको प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। तो इसका जो दो यूनिट है वो 40S और 60S का है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट कोशिका के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रवी जालिका, जो कि कोशिका के अंदर हम जब देखते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे थैलेनुमा चपटा स्ट्रक्चर्स के रूप में मौजूद रहता है। ये पूरे कोशिका के अंदर ये पाया जाता है, और ये इसको देखेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जहाँ पर है यहाँ से शुरू हो करके ये चलते चलते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक भी गई है। मतलब कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली से ये दोनों का कनेक्शन इसका रहता है। तो मान लो कोई चीज़ कोशिका के अंदर बन रही है तो इसके माध्यम से ये बाहर भी आ सकती है, तो इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ रहता है। इसके अलावा अगर हम इसको देखेंगे तो ये कोशिका के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे में ये फैली रहती है। तो ये इसको बोलते हैं कि ये एक तरह से कोशिका का अंतः कंकाल जैसा काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर का जो कंकाल है वो बॉडी के को सपोर्ट करता है, एक स्ट्रक्चर देता है जिसके ऊपर बॉडी के सारे हिस्से जो है लगे रहते हैं। तो ये कोशिका के अंदर एक कंकाल की तरह काम करता है, कोशिका झिल्ली को एक तरह का सपोर्ट देता है ये, कि ये एक दोनों तरफ से अगर प्रेशर पड़े तो उस प्रेशर को थोड़ा सा ये झेल सकता है, तो एक सपोर्ट जैसा काम करता है। इसमें जो मुख्य रूप से हम देखेंगे, इसमें हमको दो तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक ये बड़े वाले जो ऐसे झिल्ली जैसे बड़े थैली वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स या सिस्टर्नी। सिस्टर्नी शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, सिस्टर्न भी यूज़ करते हैं। तो ये बड़े थैले के आकार के हैं जो कि पाए जाते हैं। तो ये सिस्टर्नी है, ये एक दो तीन चार ये सब सिस्टर्नी है। इसके अलावा कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये है,
ये है, ये इसको हम टिब्यूल्स बोलते हैं। ये टिब्यूल्स जो है ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके सतह पर अगर हम देखेंगे, इसके सतह पर ये जो काले काले ब्लैक स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, ये सब राइबोसोम होते हैं। तो ये राइबोसोम जिस सिस्टर्नी के ऊपर या जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर ये राइबोसोम मिलता है, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए शॉर्ट फॉर्म ER इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में भी ER करके पूछता है, तो पूरा नहीं लिख करके ER ही लिख देता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको लिखा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे हैं जहाँ पर राइबोसोम नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हिंदी में चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता है। तो ये राइबोसोम के रहने या ना रहने पर इसको रफ या स्मूथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइबोसोम जब है तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका मेन फंक्शन ये है कि उसके सतह पर राइबोसोम अटैच होते हैं, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो ये इसका एक मेजर काम है। इसके अलावा जो ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसके अंदर ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर प्रोटीन बनने के बाद उसके अंदर आता है, और वहाँ से ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा, मान लीजिए ये छोटा टुकड़ा ऐसे अलग हो करके, इसको वेसिकल या आशय बोलते हैं। ये अलग होके सेल के दूसरे हिस्से में या सेल के बाहर जाता है या गॉल्गी बॉडी में जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ से प्रोटीन यहाँ पर बना और इसके ये जो ट्यूब है उसके अंदर इकट्ठा हुआ, और वहाँ से छोटा छोटे सैक में, छोटे छोटे थैले में अलग होके ये चला गया और एंडो गॉल्गी बॉडी में जाता है, गॉल्गी काय में जाता है। वहाँ पर उसका कुछ प्रोसेसिंग होता है, होके वो जहाँ पर जाना है उसका डेस्टिनेशन जो है वहाँ पर वो चला जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुख्यतः दो काम है, एक तो ये अंदर से सपोर्ट करता है या अंतः कंकाल की तरह काम करता है, और दूसरा ये राइबोसोम्स को अटैच होने देता है, जिससे कि जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो एक प्रोटीन को बनाना और उसको थोड़ा ट्रांसपोर्ट करना, और दूसरा जो है कोशिका को एक अंदर से सपोर्ट करना। तो इसका मेन ये दो काम है। इसका ये जो नामकरण है, ये पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम। तो इसको जैसा कि लिखने में हम लिखते हैं कि नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स, मतलब एक जाली जैसा, एक जाल जैसा बना हुआ है, इसलिए इसको रेटिकुलम, इसको अंतःप्रदर्मी जालिका बोलते हैं, क्योंकि एक जाल जैसा बना हुआ है इसका, छोटे छोटे ट्यूब्स का जाल जैसा फैला हुआ है अंदर में, और साइटोप्लाज्म में रहता है और यूकैरियोटिक सेल में रहता है। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये यूकैरियोट सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा। तो जब प्रोकैरियोट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, तो राइबोसोम भी उसके सतह पर नहीं मिलेगा, तो वहाँ प्रोटीन कहाँ बनेगा? तो प्रोकैरियोट सेल में राइबोसोम्स जो है अलग अलग पाए जाते हैं, अकेले राइबोसोम्स मिलते हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है। राइबोसोम्स के बारे में एक टर्म है, वो है पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम के गुच्छे हैं जिसको हम पॉलीसोम कहते हैं। तो उसको पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम, दोनों वर्ड उसके लिए यूज करते हैं। बहुत सारे राइबोसोम, एक पॉली का मतलब है बहुत सारा, तो बहुत सारे राइबोसोम एक साथ आ गए तो पॉली राइबोसोम, पॉली राइबोसोम को शॉर्ट में पॉलीसोम बोलते हैं। तो माइटो उसमें प्रोकैरियोट के सेल में वैसे मिलते हैं, सिर्फ राइबोसोम मिलते हैं जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, और यूकैरियोट्स में जो कि विकसित है इसके लिए अलग सिस्टम बना हुआ है। एंडोप्लाज्मिक के सतह पर ये होते हैं। तो ये कहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूँकि सिर्फ यूकैरियोट में मिलता है, तो ये बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल में नहीं मिलेगा, वायरस में नहीं मिलेगा। यूकैरियोट में एक ऐसा सेल है रेड ब्लड सेल जहाँ पर ये नहीं मिलता है। तो ये सारी जगहें ऐसी है जहाँ पर ये नहीं मिलेगी।
इसमें एक चीज़ और है, बोला है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम मौजूद नहीं है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें चूंकि राइबोसोम है तो वहाँ प्रोटीन बनता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पर राइबोसोम नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं बनेगा, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स के बनने की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि कुछ रिएक्शंस करते हैं। कैसे रिएक्शंस करते हैं, डीटॉक्सिफाई करना। डीटॉक्सिफाई मतलब कोई विषैला चीज़ अगर सेल के अंदर आ गया है तो उसको नष्ट करना, एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जैसा काम करता है, उसको डीटॉक्सिफाई करता है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एंड वेरियस हार्मफुल कंपाउंड्स, तो कुछ हार्मफुल कंपाउंड है या कुछ ड्रग्स है, मतलब ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो अंदर आ गए हैं जो कि सेल के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें कुछ एंजाइम्स भी मिलते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो अगर पूरे को हम एक साथ में देखें शॉर्ट में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह प्रकार का हुआ, एक जो है चिकना सतह वाला जहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है, दूसरा है रफ जिस पर खुरदरा वाला जिसमें कि राइबोसोम होता है। तो जहाँ राइबोसोम होता है वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन्स बनने का काम होता है। और इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स भी मिलते हैं जो कि सेल को डिटॉक्सिफाई करने का या विषैलेकरण का दूर करने का भी काम करते हैं। अगला जो कोशिकांग है या सेल ऑर्गेनेल है वो है गॉल्गी अपरेटस, जिसको हम गॉल्गी हिंदी में, ये वाला मिट नहीं रहा ठीक से, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन इसको देने से मिट नहीं रहा है ठीक से। तो अगला जो है वो है गॉल्गी अपरेटस या गॉल्गी काय जिसको हम बोलते हैं। तो गॉल्गी काय में भी हम देखते हैं कि वैसा ही जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, वैसे ही थैले जैसे चपटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इसका भी नाम सेम है जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। तो ये सिस्टर्नी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी है दोनों वही है, तो ये भी सिस्टर्नी है। इसके अलावा इसमें भी कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसको भी हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं या ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ, इसमें से कुछ हिस्से अलग होके ऐसे ऐसे छोटे छोटे थैले में इसमें से निकलते रहते हैं और वहाँ इसमें आते भी रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन वगैरह बनते हैं वो वहाँ से ऐसे थैले के रूप में अलग होके गॉल्गी काय में आते हैं। तो ये आ रहा है, इसके अंदर वो प्रोटीन या जो भी दूसरे केमिकल्स बनते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर उनका थोड़ा प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग होने के बाद ये फिर ये छोटे छोटे आशय या वेसिकल्स में, जिसको सिक्रेटरी वेसिकल्स बोल रहे हैं या वेसिकल्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सिक्रेटरी मतलब सिक्रीशन या श्रवण, तो जब बन रहा है तो श्रवण ही हो रहा है। तो ऐसा आपको वेसिकल फॉर्म में इसमें से अलग होते हैं और अपने डेस्टिनेशन को जहाँ जाना है वहाँ पर जाते हैं। तो इसमें जो गॉल्गी काय है, जैसा कि इसका नाम है गॉल्गी, ये एक वैज्ञानिक के नाम से दिया गया है, कैमिलियो गॉल्गी जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, तो उसके नाम से इनको गॉल्गी अपरेटस या गॉल्गी काय या गॉल्जी भी आप बोल सकते हैं, कहीं पर गॉल्जी बोलते हैं, गॉल्गी बोलते हैं, ये यूज़ किया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें देखेंगे ये वाला हिस्सा ऐसा थोड़ा दबा हुआ है, तो इसको सिस फेस बोलता है। सिस फेस मतलब जो अंदर दबा हुआ है, और ट्रांस फेस जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है इसको ट्रांस फेस बोलता है। ये हालांकि इतना डिप में शायद नहीं पूछता है कभी, पर फिर भी जानकारी के लिए कि जहां पर ये दबा हुआ है उसको सिस फेस बोलते हैं, जहां उभरा हुआ है उसको ट्रांस फेस बोलते हैं। तो इसमें मेनली ये दो तरह के चीज़ें हैं, एक जो है सिस्टर्नी जो कि ये थैले जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर खाली जगह होती है, जिसको कि इस खाली जगह को हम ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन सिर्फ इसको ही नहीं, ल्यूमेन मन से यही कैविटी, वही खाली जगह, उसके लिए ल्यूमेन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है। तो ल्यूमेन खाली जगह को बोलते हैं जहाँ पर कि इनकमिंग ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल से आशय जो है आता है और उसमें जो प्रोटीन वगैरह रहता है वो इसके अंदर आता है, यहाँ प्रोसेसिंग होता है और फिर एक थैले में ये यहाँ से निकल जाता है। तो मेनली इसका काम जो है कुछ चीज़ों को प्रोसेस करना और फिर ट्रांसपोर्ट करना है, जो हम देखेंगे आगे। तो
इसको जैसा कि मैंने बताया कि मेम्ब्रेन कवर्ड सैक्स जो थैले होते हैं, जिसको सैक्स बोला है, अंग्रेजी में सैक्स बोला है, जिसको कि हम सिस्टर्नी बोलते हैं, इसका गॉल्गी बॉडी के लिए एक अलग टर्म भी यूज़ होता है जो है डिक्टियोजोम या डिक्टियोजोम बोलते हैं इसको। तो ये साइटोप्लाज्म में मिलता है, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में मिलेगा, यानी कि यूकैरियोट्स में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं मिलेगा। और ये जो कप शेप्स मेम्ब्रेन कवर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कि हम सिस्टर्नी बोलते हैं, इसको इसके लिए एक दूसरा भी टर्म यूज़ किया जाता है, डिक्टियोजोम टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये इसको जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये क्या करता है, ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। कैसा फैक्ट्री? जहाँ पे जो प्रोटीन बना है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव हुआ है उसका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस हो जाता है एंड सॉर्टेड फॉर ट्रांसपोर्ट। सॉर्टिंग करने का मतलब ये है कि उनको अलग अलग छांटना। सारे प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के और आशा या वेसिकल में यहाँ आते हैं, यहाँ उनको थोड़ा प्रोसेस करता है और उनको सॉर्टिंग करता है फॉर ट्रांसपोर्ट टू देयर इवेंचुअल डेस्टिनेशन। इवेंचुअल डेस्टिनेशन मतलब अल्टीमेटली जहाँ उनको पहुँचना है, जिस ऊतक में पहुँचना है, जिस कोशिका में पहुँचना है, तो उसके लिए ये यहाँ पर प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग होता है। और ये वेसिकल में, जैसा कि हम उस फोटो में देखें कि ये वेसिकल्स में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। अगर गोल्गी एपरेटस नहीं रहे तो एब्सेंस ऑफ गोल्गी एपरेटस विल हैम्पर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बन रहा है उसका प्रोसेसिंग यहाँ होता है। प्रोसेसिंग मतलब उसमें कुछ प्रोसेसिंग, यहाँ प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि उसमें कुछ अणु जुड़ना या उसका कुछ स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होना जिससे कि वो इफेक्टिवली काम कर सके। तो अगर प्रोटीन का प्रोसेसिंग नहीं होगा और उसका पैकिंग होके वो जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पर जो रासायनिक प्रतिक्रियाएँ हैं जो कि प्रोटीन से कंट्रोल हो रही है, एंजाइम से कंट्रोल हो रही है, क्योंकि एंजाइम सारे प्रोटीन ही होते हैं, तो एंजाइम से जो कंट्रोल हो रही है वो नहीं होगी तो नया सेल बनने में, उसके सेल डिवीजन में प्रॉब्लम आएगा। इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो है लाइसोसोम को बनाना। जो गॉल्गी का हम देखें छोटे छोटे व्हीकल्स वेसिकल्स उसमें से अलग होते हैं, उसी तरह का छोटा वेसिकल फॉर्म में लाइसोसोम उसमें से अलग होता है। और इसमें जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि चीज़ों को डाइजेस्ट करने में या उसको पचाने में मदद करती है। तो लाइसोसोम्स पीसी से बनते हैं। तो गोल्गी अपरेटस का मेन काम क्या हुआ? एक तो है कि ये प्रोसेस करना और स्टोर करना, किसके लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। किसको? तो प्रोटीन को। ये प्रोटीन को प्रोसेस और स्टोर करता है और सॉर्ट करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें जो है कुछ इससे लाइसोसोम बनता है जिससे कि जिसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि चीज़ों को पचाने में मदद करते हैं। और इसके ये हालांकि मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये एपरातो रेटिकुलर इंटरनो ये भी एक नाम है। ये एक्चुअली पीएटी में कहीं कहीं कई बार पूछा है इसलिए मैंने इसको दिया है कि इसको कॉल्ड लिपोकॉन्ड्रिया, डाल्टन कॉम्प्लेक्स या इपरातो रेटिकुलर इंटरनो ऐसा टर्म यूज़ है। तो ये नेचुरली ये इंग्लिश का शब्द नहीं है। तो बट डिक्टियोजोम जो है वो एक कॉमनली इसके लिए यूज़ किया होने वाला टर्म है और गॉल्गी बॉडी ये दोनों टर्म मेनली यूज़ होता है। ये लाइपोकॉन्ड्रिया टर्म या डाल्टन कॉम्प्लेक्स ये सब आपको टर्म नॉर्मली नहीं मिलेगा। तो ये प्रोटीन का और लिपिड का निर्माण का मुख्य स्थान बता रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं सेल के अंदर वो है लाइसोसोम जो कि गॉल्गी बॉडी से ही बन रहे हैं। तो लाइसोसोम नॉर्मली एक सेल में 15 से 20 होते हैं। लाइसोसोम जिसको कि आत्महत्या की थैली या सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्यों सुइसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि चीज़ों को पचा सकते हैं, यानी कि उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसके जो बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ के वो सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको वो नष्ट कर सकते हैं। इसलिए लाइसोसोम को जो है वो आत्महत्या की थैली या सुइसाइडल बैग्स बोला जाता है।